बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणधार आत्मसंबंध सुंदर साहब जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि श्री जी ने जो पत्री भेजी उसमें छोटी पत्री का विवरण, इसी प्रकार सुंदर साहब से अनुमति लेकर श्री जी कामा पहाड़ी से आमेर फिर सांगानेर होते हुए मुकुंद दास जी से मिलते हैं। मुकुंद दास जी के कहने पर जरगापंथी संप्रदाय के लोगों के पास, जिनमें से उनके गुरु का नाम था धनी बाबा, और धनी बाबा के जो पंथ है उसके एक प्रमुख गुरु का नाम है लाधो मसानी, जिनको प्रबोधित करते हैं। उसके पश्चात चार महीने तक औरंगजेब के दरबार में जो सुंदर साथ रह रहे थे मुसलमानों के बीच में, वे आते हैं, श्री जी से मिलते हैं। और जो औरंगजेब के दरबार में गए थे मुसलमानों का वेश धारण करके, उनके तथा कुछ पौराणिक कट्टरतावादी विचारधारा जिनके मन में थी, जिनके मन में छुआछूत का भेदभाव था, तो उनमें जो थोड़ी सी दूरी पैदा होती है वेशभूषा के कारण, पहले धारण किए हुए वेशभूषा के कारण, तो श्री जी सब सुंदर साथ की मन का मैल समाप्त करने के लिए, वैर भाव समाप्त करने के लिए सबको एक जैसी वेशभूषा तैयार करते हैं, जिसको हम भी तक में फकीरी वेशभूषा के नाम से जानते हैं। और इसी बीच एक प्रसंग ये भी आता है कि उदयपुर में जब श्री जी चर्चा करने लग गए हैं, तो नूर मोहम्मद, अव्वल खान, जहान मोहम्मद, ये सब मुसलमान भी श्री जी से चर्चा सुनने आते हैं, और बहुत सारे हिंदुओं की संख्या भी बढ़ने लगती है। जब ये बात वहां के राणा राज सिंह तक पहुंचती है, तो किस तरह से वो अपने पंडितों को भेजता है, श्री जी उन्हें भागवत के 40 तथा वेदांत के 15 प्रश्न पूछते हैं, जिनका जवाब न आने पर वह निंदा करते हैं और राजा को श्री जी से मिलने के लिए मना करते हैं। और किस तरह से अपना अंकुर न होने के कारण वो दूर से ही दर्शन करके अपने इस अनमोल अवसर को गंवाता है, ये सारी बीतक कल हमने सुनी। अब आगे श्री महामत कहे, ए मोमिनो ए तालाब करो याद, फिर कहो उदयपुर की जो बीतक बुनियाद, जो बीतक बुनियाद। फिर वहां से आए उदयपुर कल हमने अंतिम में यही सुना था कि उदयपुर में जो तालाब था, उस तालाब के किनारे की घटना थी। सब सुंदर साथ को विरक्तों का वेश धारण कराया था और उसके बाद अब पुनः उदयपुर शहर में आते हैं, जिस हवेली में ठहरे हुए हैं वहीं पर जाते हैं। गोवर्धन भट्ट जो सूरत गए हुए थे, वो सूरत से वापस आते हैं, उनके साथ में धोली बाई एक सुंदर साथ है, जिनको लेकर के आते हैं। इसी समय औरंगजेब जो अजमेर में ठहरा हुआ था, वहां से मथुरिया नाम के एक व्यक्ति को, जो उसी के सेनापति में से एक था, उसको भेजता है और धमकी भरे अंदाजे में कहलाया होता है कि तुम्हारे पास दो उपाय, या तो तुम मुझसे युद्ध करो, अन्यथा मुसलमान बन जाओ। अगर युद्ध करोगे तो परिणाम तुम्हें पता है,
और यदि तुम मुसलमान बनते हो तो तुम्हें सम्मान सहित 5 परगने दिए जाएंगे। परगना उस समय जैसे एक तो छोटे छोटे गांव होते हैं और गांवों का जो समूह होता है जैसे आज के हिसाब में कहें तो पंचायत, तो ये 5 परगना देने की बात करता है कि अगर तुम मुसलमान बन जाओगे तो हम तुम्हें 5 परगना दे देंगे। औरंगजेब ने मथुरिया को भेजा है, मथुरिया आगे राणा राज सिंह के ही पुरोहित को ये संदेश पहुंचाता है जिसका नाम है गरीबदास। गरीबदास पुरोहित आता है राणा राज सिंह के पास और जो बात कही थी, क्योंकि दूत का काम क्या है, जैसा संदेश आया है वैसे का वैसा हूबहू समझाना या सुनाना। लेकिन जैसे ही ये बात सुनी राणा राज सिंह को बहुत क्रोध आया कि ये एक पुरोहित होकर के हम जो राजपूत हैं हमें मुसलमान बनने के लिए कैसे कह सकता है। सुनते ही क्रोध दिखाया और कहता है कि गरीबदास पुरोहित, अगर तुम पुरोहित नहीं होते तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ता। इस तरह की अपमानजनक बात कहने पर मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ता। तुम पुरोहित हो इसीलिए मैं छोड़ रहा हूं। जाके कह दो अपने औरंगजेब से कि अभी तक राजपूतों की तलवार में जंग नहीं लगा है, जो कुछ भी होगा परिणाम की हमें चिंता नहीं, अब हम युद्ध भूमि में देख लेंगे। अब बात तो हो गई कि दूत को धक्का दे करके निकलवाया है और जैसे ही ये बात उदयपुर में फैली अब पूरे शहर में खलबली मच गई। श्रीजी तक भी ये बात पहुंची कि औरंगजेब का कोई दूत आया था जिसको राणा राज सिंह ने धक्का दे करके निकलवाया है। अब श्रीजी ने ये संदेश भिजवाया राणा के पास कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, राणा से हम बात कर लेंगे, हम वाद विवाद कर लेंगे, हम उन्हें समझाएंगे। राणा कहता है राज सिंह कि हम इस लायक नहीं है कि हम धर्म के विषय में बातचीत कर सके, विचार विमर्श कर सके और हमसे बादशाहों का बोझ भी नहीं उठाया जाएगा। क्योंकि पहले के समय में अगर कोई राजा संधि का प्रस्ताव रखता था या युद्ध काल को विराम करने की घोषणा करता था तो युद्ध विराम की अवधि तक विरोधी राजा के समस्त सैनिकों का, उन सैनिकों के सवारियों का, चाहे वो घोड़े हो चाहे हाथी हो, उन सब का खर्चा भी उन्हें ही उठाना पड़ता था। तो राणा राज सिंह कहते हैं कि हमसे बादशाह का बोझ नहीं उठाया जाएगा, इसलिए हमारे पास बस उपाय यही है कि हम प्राणपण से युद्ध करें और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाएं। अब श्रीजी तक वो संदेश वापस भिजवा दिया जाता है। पास में वे सब पंडित बैठे ही हुए थे जो श्रीजी की निंदा कर रहे थे, वो अब राणा को और उकसाते हैं कि देखो हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि औरंगजेब के भेजे हुए हैं ये मुसलमान हैं, इनका मुंह नहीं देखना चाहिए, इन्हीं की वजह से औरंगजेब की सेना हम तक पहुंच रही है। तो अब कोई कहता था कि इन्हें उदयपुर से निकाल दो अपने राज्य से, कोई कहता था लूट लो। राणा सबकी बात सुन रहा था पर किसी भी बात का उसने आदेश नहीं दिया, देश से निकलने का भी आदेश नहीं दिया और लूटने का आदेश भी नहीं दिया। लेकिन जब ये बात चल रही थी तो राणा राज सिंह के मंत्रिमंडल में से एक थे राणा भीमसेन, ये समझदार थे, श्रद्धालु थे, उन्होंने कहा कि यदि हमारे अपने राज्य में किसी वैरागी को लूट लेते हैं तो ये हमारी बदनामी होगी, इसलिए लूटने का विचार बिल्कुल भी मन में मत लाना। और राणा भीमसेन ने अपने कोतवाल को भिजवाया कि कुछ दिनों के लिए श्रीजी और सब लोगों से कह दो कि यहाँ से चले जाएं। कोतवाल जाता है और कहता है कि आप कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाइए, औरंगजेब का आक्रमण होने वाला है और यदि
हमारे रहते आपको कुछ हो जाता है तब भी हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे और हम आपकी रक्षा करने में भी असमर्थ हैं। इसलिए जो हो सके आप यहाँ से जल्दी चले जाइए, जब परिस्थिति सामान्य होगी तो वापस आ जाइए। अब कोई उपाय नहीं दिखा। श्री जी साहब ने कहा कि शायद मूल स्वरूप राज जी की यही आज्ञा है, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब कोतवाल एक दो दिन के बाद में फिर से आता है दोबारा आदेश लेकर के, तो श्री जी ने कहा कि हम यहाँ पर रहने वाले नहीं है, बस हम निकल ही रहे हैं। जब एक हिंदू राजा होकर के हमारी रक्षा करने की जगह पर उल्टा हमें निकालने की बात सोच रहा है, हम तो इसका भला ही चाहते थे, तो फिर हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। इसी समय महासिंह श्री जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। श्री जी ने उनका सम्मान किया, सिरोपाव पहनाया और कहते हैं कि अब आप सावधान रहना, हम तो यहाँ से विदा लेने वाले हैं तुम्हारे मुल्क से, तुम्हारे देश से, लेकिन तुम भी अपने राज्य में शांतिपूर्वक नहीं रह पाओगे क्योंकि इस राज्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए जो हो सके तो कोशिश करना कि यहाँ से निकल सको। इस तरह से सभी सुंदर साथ ने क्योंकि निर्गुण वेश पहना था तो पहले के जो भी वस्त्र इत्यादि थे, राजसी या रजोगुणी वस्त्र इत्यादि, वो सब उन्होंने वहीं के लोगों में, वहीं के सुंदर साथ में बांट दिया और स्वयं निर्गुण वस्त्र जिसको फकीरी वेश कहा है ऐसा वेश धारण करके उदयपुर से विदा लेकर के निकलते हैं। अब जिन जिन सुंदर साथ ने उदयपुर में तारतम लिया उन सबका नाम यहाँ पर लिखा है। एक तो लाधु मसानी है जिनके यहाँ पर 1,00,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी होती थी, अमरा जी, देव जी, हरि सुंदर, केशव दास, बेनी दास, प्रेम दास, जगन्नाथ, वासुदेव, ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ हैं। अब श्री जी तो उदयपुर से निकल गए हैं और उसके बाद औरंगजेब ने उदयपुर पर आक्रमण किया। श्री लालदास जी कहते हैं कि जब सुल्तान चढ़ा राणे पर तब भागा सारा देश, तब वहां से निकलने पड़ा जुदे पड़े दरवेश। जब सुल्तान औरंगजेब ने उदयपुर पर आक्रमण किया पूरे देश के लोग इधर उधर भाग रहे हैं जान बचा करके, बहुत अधिक कष्ट भी आया है सुंदर साथ पर, क्योंकि युद्ध की मार जब पड़ती है किसी भी देश पर तो वहां केवल सैनिक ही नहीं जूझते, सैनिक भी तो किसी न किसी के बेटे होते हैं, किसी के पिता होते हैं, किसी के पति होते हैं, किसी न किसी घर के सदस्य होते हैं। तो हर घर का, ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर के कोई ना कोई व्यक्ति मरे ना हो या जिस घर का कोई ना कोई व्यक्ति घायल ना हो, सब लोग दुखी थे, जिसके बारे में आगे भी वर्णन करेंगे। अब श्री जी उदयपुर से चल करके रामपुर नाम के स्थान पर पहुंचते हैं और वहां पूरणदास नाम का व्यक्ति था उसके पास में स्थान लेते हैं। अब उदयपुर से चले और दुधलाई में कुछ समय ठहर करके फिर मंदसौर पहुंचते हैं। क्या कह रहे हैं, अब कहो मंदसौर की आए उदयपुर से चल, जब नौरंग चढ़ा राने पर हुआ मुलक चल विचल। ये विक्रम संवत 1736 समाप्त होकर के 1737 लग रहा था और औरंगजेब को यहाँ पर नौरंग शब्द से संबोधित किया है। इसका कारण क्या है, शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि औरंगजेब का जन्म गुजरात के दाहोद में हुआ था और प्रारंभ में उसको जिस हिंदू परिवार ने शरण दिया था तो उस परिवार ने औरंगजेब का नाम बचपन में रखा था नौरंग बिहारी। तो इसीलिए इतिहास में कई जगह पर उसको इस नाम से भी जाना जाता है, तो बीतक में इसीलिए उसको यहाँ पर नौरंग कह करके वर्णन किया है। तो जब औरंगजेब ने आक्रमण किया उदयपुर में, पूरा मुलक चल विचल हो गया, अर्थात तो पूरे मुल्क में, पूरे उदयपुर में सब हताहत हो गए।
और अब श्री जी निकल चुके हैं सुंदर साथ के साथ। उन्होंने जो फकीरी वेश धारण किया है श्री लालदास जी ने उसका वर्णन किया है यहाँ पर। क्या कहते हैं, इन समय फकीरी का भेख धरा अनूप, शोभा छब स्वरूप की वारों कोटक रूप। श्री जी ने जो अनुपम वेश धारण किया है और वो वेश कैसा है, कहते हैं कि करोड़ों जो सुंदर लोग होंगे, सुंदर लोगों का रूप, करोड़ों रूप भी श्री जी के उस सुंदर स्वरूप पर बलिहारी जाता हूं। गोटा शोभे सिर पर ऊपर कंठ भी, सिर पर गोटा पहना है, इसको आप चाहे रुमाल के रूप में समझ सकते हैं, कोई कपड़ा है सिर पर, सिर ढकने वाला, और उसके ऊपर से कंठपी पहनी है। कंठपी एक ऐसी टोपी होती है, आपने बहुत सारे गादीपतियों को पहने हुए देखा हो, कान को ढकने वाली टोपी होती है। आजकल तो खैर लाल रंग के, भगवे रंग के भिन्न भिन्न प्रकार के पहने जाते हैं, श्री जी ने इस प्रकार के नहीं पहने थे, पर आकृति कुछ उसी तरह की थी। अति सुंदर तिलक बनियो दोए रेखा बीच बिंदु, श्री जी ने जो तिलक धारण किया है मस्तक पर, दो रेखा है और दोनों रेखाओं के बीच में एक बिंदु है। गोपी चंदन सुपेत का मुख शोभित मानो चंद्र, श्री जी का मुखारविंद ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा सुशोभित हो रहा हो, चंद्रमा की तरह सुंदर लग रहा है। और जिस मस्तक पर गोपी चंदन जो सफेद रंग का होता है उसे श्री जी ने धारण किया है। जे श्रवणी शोभे कानों में, श्री जी के कानों में जो श्रवणी पहनी है, कान में पहनने वाले जैसे बाले होते हैं, वो दो सोने के बाले हैं। पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला चार, श्री जी ने गले में तुलसी की कंठी धारण की है और साथ में चार बड़ी मालाएं भी है। और अति शोभित अंग मेखली लोई धागे भरी सुमार, मेखली मतलब इस प्रकार की चादर उन्होंने धारण की है जिसमें धागे भरे हुए, जैसे पुराने फटे हुए कपड़े होते हैं उनको इकट्ठा करके तैयार किया गया है। और गोदड़ी ओढ़न की, ओढ़ने के लिए गुदड़ी है, एक तो होता है मोटा गद्दा, एक होती है पतली सी, उसको गुदड़ी कहा जाता है। आज भी गुजरात के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश या राजस्थान के क्षेत्र में ऐसी गुदड़ी ओढ़ने का प्रचलन है। सेली सुमरनी मुद्का अंग शोभित है ताय, श्री जी ने हाथ में तीन मालाएं धारण कर रखी है छोटी छोटी, सेली सुमरनी और मुद्का, ये तीन छोटी छोटी मालाएं हैं। ऊपरनी धोती अंगोछा पहरे और बांधे कमर, श्री जी ने जो धोती धारण कर रखी है वो बड़ी है, जिसमें से आधी को वो ओढ़ते हैं और आधे को कमर में बांधा हुआ है, एक ही धोती है। कहते हैं ए छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर, श्री जी की जो छवि है वो समस्त ब्रह्मांड के सौंदर्य में सर्वोपरि है। हाथ में एक तुम्बे का पात्र है, तुम्बा क्या होता है, जैसे कुम्हड़ा होता है, आपको पता है कुम्हड़ा एक प्रकार की सब्जी होती है जिसकी मिठाई भी बनाई जाती है, जिसको हम पेठा भी कहते हैं, उसको सुखा करके उसके अंदर का जो गुदा होता है उसको निकाल करके बाहर के भाग को सुखाया जाता है और उस पात्र को प्रयोग किया जाता है। तो एक पात्र हाथ में है तुम्बा और एक कमर में बांध रखा है और साथ में एक झोली धारण की है, उस झोली में सभी आवश्यक सामग्रियां हैं जो वो कंधे पर लटकाते हैं। पहनी पांव में पनही, पनही अर्थात खड़ाऊ, श्री जी ने पांव में खड़ाऊ धारण कर रखा है और लटकनी मटकनी चाल अर्थात मस्ती भरी चाल से श्री जी चलते हैं और साथ में जो ब्रह्म सृष्टि है, जो सुंदर साथ है, वो श्री जी की चाल को देख करके ही प्रसन्न होते हैं। ये फकीरी वेश है। जब इस फकीरी वेश का वर्णन आता है तो हमारे ही समाज का एक वर्ग बहुत खुश होता है, खुश होना भी चाहिए, पर उनके खुश होने का कारण यह है, वो कहते हैं कि देखो जो तिलक चंदन और
कंठी का विरोध करते हैं तो यहाँ पर देखो तिलक चंदन कंठी का प्रमाण आता है कि श्री जी ने भी तो धारण किया था, फिर सब सुंदर सा क्यों धारण नहीं करते। देखिए तिलक और चंदन का विरोध नहीं है, किसी ने भी विरोध नहीं किया है। हाँ इतना अवश्य है कि हम ये कहते हैं कि केवल तिलक और चंदन धारण करने से आत्म जागृति नहीं होती, ये है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो एडमिशन अगर लिया है तो वहां के ड्रेस पहनना जरूरी है। तारतम लेना मतलब एडमिशन करना है। आपने स्कूल में प्रवेश किया, निजानंद संप्रदाय में आप एक तरह से कहें दीक्षित हो गए और तिलक चंदन इत्यादि धारण करना मतलब ड्रेस का हिस्सा है। लेकिन आपने सिर्फ एडमिशन लिया और ड्रेस पहन लिया तो क्या आपको ज्ञान आएगा? नहीं आएगा ना। इसी तरह से विरोध इस बात का है कि केवल तिलक चंदन धारण करना हम सब सुंदर साथ अपना परम लक्ष्य समझते हैं, इससे आगे की बात नहीं करते अगर, तो हम अपनी आत्म जागृति नहीं कर सकते। तो विरोध इतना है। और दूसरी बात कि अगर हम ये कहें कि नहीं श्री जी ने भी तो कंठी पहनी थी या श्री जी ने भी तिलक धारण किया, आप धारण कीजिए अच्छी बात है, पर श्री जी का मैंने जितना अभी वर्णन किया फकीरी वेश का, तो क्या उसमें केवल तिलक और चंदन है या केवल कंठी है? कंठी के साथ में कितनी मालाएं हैं? एक कंठी तुलसी की और बड़ी माला चार। एक तुलसी की कंठी के साथ में चार मालाएं हैं, मेखला उन्होंने धारण की है, गुदड़ी वो ओढ़ते हैं, खड़ाऊ पहनते हैं, कमर में एक तुम्बा बांध रखा है, एक हाथ में धारण करते हैं, एक झोली लटकाते हैं, तो बाकी किधर गए? ये भी तो कीजिए ना, अगर नकल करनी है कि श्री जी ने ऐसा किया था तो सब सुंदर साथ को करना चाहिए, तो फिर नकल पूरी चीजों की जाए। केवल कंठी और चंदन की नकल तो की जाती है, तो साथ में एक एक तुम्बा भी दिया जाए जब तारतम ग्रहण करते हैं तो होगा सुंदर साथ से? नहीं होगा ना। तो इसलिए नकल आधी अधूरी अपनी सुविधा के अनुसार न करें। देखिए चंदन लगाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर आप वास्तव में चंदन करते हैं तो आपके मस्तक को शीतल रखता है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि आपने चंदन लगा लिया तो आप धार्मिक हो गए, या आपने तुलसी की कंठी पहन ली तो आप धार्मिक हो गए, ऐसा नहीं है। जब एक तरफ आप वाणी में कहते हैं कि 100 माला वाओ गले में, द्वादश करो 10 बेर एक ही चौपाई में, पूरे सिद्धांत की खंडनी कर दी है कि आप एक नहीं 100 माला पहन लो, या फिर केवल माथे में नहीं 12 अंगों पर तिलक करो, लेकिन जो लो प्रेम न उपजे पियूसो तो लो मन न छोड़े फेर, तो हमारा विरोध कितना है कि केवल चंदन तिलक कंठी न की जाए, साथ में हृदय में प्रेम आने वाला भी उपाय किया जाए। और वो उपाय क्या है? वाणी मंथन, सेवा, चितवनी, ये उपाय है। लेकिन हमारे सुंदर साथ में क्या सिखाया जाता है? बड़े बड़े जो गादीपति भी होते हैं वो मंच पर बैठ करके इसी तरह की आधी अधूरी शिक्षा देते हैं सुंदर साथ को कि आपको प्रतिदिन तिलक करना है, चंदन करना है और कंठी तो पहननी ही है। तो हो गई जागनी, पायो निज नाम वासना जागे, पायो निज नाम वासना जागे करके भजन गा लिया, भंडारा कर लिया और हो गया। विरोध इस बात का है कि हम इतने में अपने कर्तव्य की इतिश्री ना समझे। हमारा कर्तव्य इससे भी इतर है। हमारा कर्तव्य केवल एडमिशन लेना और ड्रेस पहनना नहीं है, पढ़ना भी है स्कूल में। तो निजानंद स्कूल को अगर हमें पढ़ना है तो हमें केवल ड्रेस के बंधन से ऊपर आना होगा। ड्रेस ठीक है अपने जगह पर, कि कई बार लोग ये तर्क देते हैं कि देखो कंठी पहनते हैं तो पता चलता है कि सुंदर साथ है, रास्ते में मिलने में अभिवादन करने में सरलता होती है। कोई बात नहीं, पहन के धारण कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन कंठी ही धारण करने वाले भी तो संप्रदाय बहुत सारे हैं ना। और दूसरी बात, अभिवादन सबको किया जाए, ये जरूरी थोड़ी है कि सुंदर साथ को ही प्रणाम किया जाए, किसी को भी कर सकते हैं प्रणाम। तो फिर भी यदि आपको लगता है कि कंठी धारण करना है, इसमें पाप नहीं, कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन इस बात की भी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि बिना कंठी पहने जागृति नहीं होगी। कई बार लोग कहते हैं कि देखो कंठी मतलब हमारा मंगलसूत्र है, और जब हम पतिव्रता है तो फिर मंगलसूत्र क्यों नहीं धारण करते, इस तरह का तर्क दिया जाता है। सोचिए कि ये उदयपुर से पहले कोई पतिव्रता नहीं थे, किसी ने कंठी धारण करने का वर्णन नहीं आता है। श्री देवचंद्र जी से लेकर के यहां तक के प्रसंग में किसी को भी कंठी पहनाया ऐसा वर्णन नहीं आता है, केवल उदयपुर के बाद ही ये वर्णन आता है। तो इस बीच में जितने सुंदर साथ की आत्म जागृति हुई, क्या उन्होंने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया? और यहाँ तक कि मैंने ऐसे भी अनेक सुंदर साथ देखे हैं जो कंठी धारण करने के प्रबल समर्थक हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अव्यभिचारिणी भक्ति के स्थान पर विभिन्न देवी देवताओं की उपासना भी करते हैं। जो कंठी के प्रबल समर्थक हैं, आप ध्यान दे सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट को देख सकते हैं, आप उनके क्रियाकलाप गतिविधि को देख सकते हैं, वो गणेश जी की भी पूजा कर रहे होते हैं, वो दशहरे पर दुर्गा की पूजा भी कर रहे होते हैं, अपने मंदिरों में वो विभिन्न देवी देवताओं की स्थापना भी कर रहे होते हैं, और ऊपर से शिक्षा दी जाती है सुंदर साथ को कि कंठी धारण करना पतिव्रता का प्रतीक है। मान लिया जाए कि प्रतीक है थोड़ी देर, लेकिन प्रतीक धारण करके उस प्रतीक को निभाना होता है। आप केवल मान लीजिए कि कोई भी स्त्री क्या केवल मंगलसूत्र पहनने से पतिव्रता हो जाएगी? ये तो एक चिन्ह है, कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं इस प्रतिज्ञा को याद दिला सकता है कि तुम पतिव्रता हो। तो फिर हमारे समाज में ऐसा क्यों नहीं है? मैं देखता हूं कि हमारा समाज कंठी धारण करता है प्रतिव्रता के प्रतीक के रूप में, और उसके बावजूद कभी वो गोवर्धन की पूजा करता है, कभी वो धनतेरस के नाम पर लक्ष्मी जी की पूजा करता है, और उन्हें समझाया जाए कि नहीं आपको केवल राज्य की भक्ति करनी चाहिए, तो पता है क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि देखो हमारी वाणी में ये लिखा है कि राज्य से कुछ मांगना नहीं चाहिए, तो मांगने के लिए हम देवी देवता की पूजा करते हैं, राज्य से राज्य को मांगते हैं, राज्य का प्रेम मांगते हैं, और दुनिया के देवी देवता से धन मांगते हैं, तो हमें तो उनसे काम निकालना है। इस तरह के कुतर्क दिए जाते हैं, और फिर पाखंड इस बात का किया जाता है कि हम कंठी पहन करके पतिव्रता धर्म का पालन करेंगे। कंठी अगर आप तुलसी की पहन रहे हैं, तुलसी में औषधीय गुण होता है, तो हो सकता है उसका कुछ लाभ हो। वैसे तो पहनने से ज्यादा तुलसी को खाया जाए किसी रूप में तो उसमें ज्यादा लाभ है, फिर भी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि उसका लाभ है, पर केवल कंठी धारण करने से आप पतिव्रता नहीं बन सकते। आपके हृदय में उस प्रियतम अक्षरातीत के लिए अनन्य प्रेम होना आवश्यक है। अगर आप मंच पर बैठ करके दो दो दर्जन देवी देवताओं के जयकारे लगाते हैं, मैंने देखा ऐसे हमारे ही समाज के संतों को, जिनके नाम के आगे कम से कम 10-12 भिन्न भिन्न प्रकार की विभूतियां लगती है, जिनके नाम के आगे कम से कम 2 वाक्यों का संबोधन लगता है, ऐसे ऐसे जो महान विभूतियां हैं, वो भी एक तरफ पतिव्रता साधन का कंठी पहनने का आदेश देते हैं, सुंदर साथ को निर्देश देते हैं, और उसके बाद फिर व्यभिचारिणी भक्ति अर्थात एक परमात्मा को छोड़कर के अनेक की उपासना करने वाले अनेक देवी देवताओं का जयकारा लगाते हैं, और कहते हैं कि नहीं हम हिंदू हैं, हमें ये करना पड़ेगा, ये कैसा हिंदुत्व है? तो इसलिए सुंदर साथ अर्थ का अनर्थ ना करें, और वितक के इस प्रसंग में मनगढ़ंत प्रकार की शिक्षा ना दें। अब
आगे क्या कहते हैं, सबों ने भेख पहनिया देख अपने साहेब। श्रीजी साहब की वेशभूषा को देख करके, श्रीजी साहब की फकीरी वेश को देख करके सब ने वैसा ही वेश पहना है। बाईजीराज जी ने भी निर्गुण वस्त्र अर्थात श्वेत वस्त्र पहने हैं। साज फकीरी राखत जंग दज्जाल से करे मोमिन। सब सुंदर साथ ने फकीरी वेश धारण किया है, वैसे ही सामग्री भी धारण की है। और दज्जाल से, दज्जाल कौन सा यहाँ पर, अज्ञानता रूपी दज्जाल। वो अज्ञानता रूपी दज्जाल जो कुछ सुंदर साथ के मन में घुस करके छुआछूत और भेदभाव को पैदा कर रहा था, उससे युद्ध करते हैं। अब श्रीजी यात्रा के क्रम में है, पहुंचते हैं रामपुरा नामक स्थान में। वहां पास में पूरणमल चारण का एक गांव था। अब उस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, आजकल की तरह होता है ना कि ये जमीन मेरी है, ये जमीन तेरी है। जनसंख्या कम थी, खाली जगह काफी मिल जाती थी। तो अब रामपुरा नाम के स्थान में, जो कि मंदसौर के बिल्कुल पास में ही पड़ता है, राज्य की कृपा से जागरी यात्रा जो चल रही थी 100 दिवसीय, उसमें हमें उस स्थान पर जाने का अवसर मिला। और उस समय सुंदर साथ ने सबने मिलकर के वहां पर हवेली बनाई। सुंदर साथ ने ही ईंटें तैयार की, पत्थरों को काट काट करके तैयार किया, चौकोर चौकोर पत्थर, और उससे घर बनाया। उस समय की हवेली है, वैसे तो जीर्ण अवस्था में है, दो मंजिला है, दो भौम और तीसरी चांदनी की। और किस तरह से तैयार किया है, जैसे आप चांदनी चौक में खड़े होकर के रंग महल की तरफ देखेंगे तो जो धाम दरवाजा है वो कैसा दिखेगा। धाम दरवाजा दो भौम की है ना, और उससे अंदर के जो दरवाजे हैं वो एक एक भौम के हैं, तो वो भी उसी शैली में बनाई गई है। मेहराब वाला दरवाजा है दो भौम का, तीसरी चांदनी है, और बड़े बड़े पत्थर। मैं आश्चर्यचकित हो गया देख करके, जैसे ये पिलर है ना बीच बीच में खंभे, इससे बड़े बड़े पत्थर हैं जो दूसरी मंजिल की छत पर है। सोचिए उस समय तो आजकल की तरह क्रेन वगैरह की सुविधा नहीं थी, सुंदर साथ ने कैसे उठाया होगा उसको, और ऐसे बड़े बड़े पत्थर उठा करके किस तरह से दो मंजिल का घर तैयार किया होगा। तो सब सुंदर साथ ने मिलकर के इस तरह की हवेली तैयार की, और वो हवेली भी तालाब के बिल्कुल किनारे पर है। अगर आज भी आप जाते हैं मंदसौर जाएंगे तो वहां पर आपको लेकिन पूछताछ करनी पड़ेगी, कोई भी उस जगह पर आसानी से नहीं पहुंच सकता है। पर हाँ, वहां पर आप पूछते पूछते जाएं तो हमारा ऐतिहासिक धरोहर है जिसे आप देख सकते हैं। हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं, बाद में चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। हमने जागनी यात्रा के दौरान भी शायद फेसबुक पर भी डाला था कि कैसी हवेली थी। खैर, तो सुंदर साथ ने वो हवेली तैयार की। पुरणमल चारण जिनका वो गांव था, उनकी माता अब श्रीजी साहब के ऊपरी पहचान करके कि अच्छे संत लग रहे हैं, फकीरी वेश भी देखा है, तो उस वेशभूषा को देख करके वो सेवा करने लगती है। अब वहीं पर एक बेरीसाल नाम का व्यक्ति था जो वहां के राजा का भाई था, और जिसके मन में खोट था, पाप था। उसने सुंदर साथ पर बुरी नजर की, क्योंकि उसने देखा कि फकीरी वेश में जैसे सोने के बाले वगैरह पहने हैं, तो उसको लगा होगा कि ये तो अमीर है, इनके पास सोना होगा, संपत्ति होगी, इतने सारे लोगों का गुजारा कैसे चलता होगा, तो धन तो होगा इनके पास, तो मैं इनकी लूट लूं। तो वो तैयारी कर रहा था, धमकी भी दी होगी सुंदर साथ को। और जब सुंदर साथ को इस बात की भनक लगी कि ये लूटना चाहता है, उन्होंने पूरणमल चारण के घर में जाकर के विनती की कि देखो बेरीसाल इस तरह से धमकी दे रहा है। चारण की माता जो बुजुर्ग हैं, पर हिम्मत उनमें कूट कूट करके भरा है, वो कमर बांध करके आती हैं और बेरीसाल को डांटती है कि खबरदार तुमने इन वैराग्यों के ऊपर कुदृष्टि की। तो
अगर तुमने इनके ऊपर कुछ भी अत्याचार करने की कोशिश की, लूटने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे सामने आऊंगी। पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मेरी हत्या का पाप तुम पर लगेगा। और तुमने क्या सोच रखा है? ये ऐसे साधु हैं, संख्या में इतने अधिक हैं कि अगर ये चाहे या अगर इन्होंने आवाज उठाई या इन्होंने हथियार उठाया तो तू कहीं का भी नहीं रहेगा। इस तरह से जब उन्होंने डांटा, वो अपना काला मुंह लेकर के वहां से वापस चला गया। अब उस गांव से श्रीजी सहित सुंदर सात उस हवेली को छोड़ करके मंदसौर पहुंचते हैं और हरि प्रसाद नाम के व्यक्ति के घर पर ठहरते हैं। उस समय औरंगजेब की जो सेना थी, बादशाही जो फौज थी, वो मंदसौर के आसपास ही घूम रही थी। सुंदर सात वहां बैठ करके सनंद का गायन करते हैं और वो गायन सुनने के लिए एक दौलत खान पठान नाम का व्यक्ति आता है और सनंद सुन करके वो ऐसा घायल हो जाता है, अर्थात उसके दिल में चोट लग जाती है और श्रीजी पर ईमान लेके आता है। और साथ ही एक है शेर खान कोहटी और कई पठान हैं, ये सनंद सुन करके श्रीजी पर ईमान लेकर जाते हैं बिना एक मोहम्मद की सनंद सुन करके। अब जब ये सनंद सुनी, दौलत खान पठान को ऐसा जोश आया प्रेम का कि उसके मुख से इसके अलावा और कोई शब्द ही नहीं निकलता बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद, बार बार यही दोहराते रहता है। इस प्रकार ऐसे कई मुस्लिम थे जो श्री जी के चरणों में ईमान लेकर के आते हैं, जो एक वास्तविक निजानंद को स्वीकार करते हैं। वेशभूषा और भाषा से परे, ये हिंदू ये मुसलमान उससे परे श्री जी के स्वरूप की पहचान करते हैं। और इसी समय उदयपुर से कृपाराम सुंदर साथ आते हैं मंदसौर, जो कि सुंदर साथ की तरफ से विनती लेकर के, पाती लेकर के आते हैं और कहते हैं श्री जी साहेब, उदयपुर में सब सुंदर साथ असुरक्षित अवस्था में हैं, पहाड़ों पर हैं और सब विलाप कर रहे हैं, सब दुखी अवस्था में है, कोई घायल है, कोई दुखी है, आप कृपा करके उनके दुख को समाप्त कर दीजिए। अब श्री जी ने जैसे ही सुंदर सात के दुख को सुना, सोची कि जब 12 सुंदर सात औरंगजेब के दरबार में गए थे तो ये वही श्री जी हैं जो ये कहते हैं कि प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, जो सुंदर सात को आत्मा का आधार मानता हो, जो अक्षरातीत महामती जी के हृदय धाम में विराजमान है, जो कलश की वाणी में कहते हैं कि प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, मन कल्पे खेल देखते सोए दुख करूं सब दूर, अब दुख ना देऊं फूल पांखड़ी देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगो बोलाऊं मीठे बहन। तो वो श्री जी सुंदर साथ को दुखी कैसे देख सकते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेते, अपने ऊपर वो स्वयं शोभा नहीं लेते, मूल स्वरूप श्री राज्य की तरफ नजर करके सच्चे हृदय से राज्य से प्रार्थना करते हैं और वहां पर 5 कीर्तन अवतरित होते हैं जिसको हम विरह के प्रकरण कहते हैं। वालो विरह रस भिनो रंग विरह मारमाण, तो ऐसे 5 प्रकरण वहां पर अवतरित हुए। आज भी किसी सुंदर साथ को अत्यधिक कष्ट आता है तो वो इन विरह के प्रकरणों का पाठ किया करते हैं, चाहे किसी का धाम गमन हुआ हो या कोई व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में हो, मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हो, या किसी व्यक्ति का की कोई दुर्घटना हो गई हो, तो सुंदर साथ इसे पढ़ते हैं। वैसे तो जब मैं ये बात कह रहा हूँ, कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि जब राज्य से कुछ मांगने के लिए मना किया जाता है तो फिर ये सब राज्य को क्यों मांगा जाए? और इसका समाधान ये है कि वास्तव में राज्य से कुछ मांगना नहीं चाहिए, पर अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए। यदि हम सुंदर साथ के लिए मांग रहे हैं तो ये मांगना नहीं है, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। और वास्तव में
जो भी व्यक्ति कोमल हृदय होते हैं वो भले ही अपने लिए कुछ ना मांगे लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना अवश्य करते हैं। देखिए भक्ति के लिए पहला चरण ही प्रार्थना है। आप ध्यान करते हैं, आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, बिना प्रार्थना के आप भक्ति नहीं कर सकते। प्रार्थना भी कहीं ना कहीं प्रेम का एक हिस्सा है, पर अपने लिए प्रार्थना नहीं होनी चाहिए कि राजी हमें ये दिला दीजिए वो दिला दीजिए। हाँ, हमें हमेशा दूसरों के लिए सोचना चाहिए। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति कष्ट में है तो आप उसके लिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा, वाणी कहती है, तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। पवित्र हृदय से यदि हम राज्य से प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना राज्य अवश्य सुनते हैं। अब जैसे ही ये पांच कीर्तन अवतरित हुए, राज्य की ऐसी कृपा हुई कि औरंगजेब की सेना पीछे लौटती है, उदयपुर छोड़ करके पुनः अपनी छावनी पर लौटती है और सुंदर साथ का जीवन धीरे धीरे करके सामान्य होता है। अब इस समय मंदसौर में ही इब्राहिम नाम का व्यक्ति आता है श्री जी का दर्शन करने के लिए। दर्शन करके उसको अच्छा लगता है तो वो लालदास जी के पास आता है और कोई सेवा के लिए कहता है, उससे कुरान का एक किस्सा अनुवाद कराया जाता है, एक सूरा अनुवाद कराया जाता है। तो वो 16वां सिपारा सुबह आकर के शुरू करता है, उसका अनुवाद करता है। वो दिन में अनुवाद करता था और रात के समय में श्री जी सुंदर साथ को वो सुनाते थे पढ़ करके। इस तरह इब्राहिम से वो अनुवाद करा रहे थे। एक दिन अनुवाद के क्रम पे वो कहता है कि लिखते लिखते वो रुक जाता है। उसको पूछा गया कि तुम क्यों रुके, तो कहता है कि ये किसी अनपढ़ ने कलम चला दिया है ऐसा लगता है। तो श्री जी ने पूछा कि ऐसा क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। तो इब्राहिम कहता है कि देखो इसमें लिखा है कि जो सुन्नी मुसलमान होंगे, जो मोहम्मद की उम्मत के होंगे, उनकी अर्जी खुदा तक नहीं पहुंचेगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि खुदा तक ना पहुंचे। अभी थोड़ी देर पहले हम वही बात कर रहे थे। श्री जी ने कहा कि देखो मोहम्मद साहब ने जो बात कही है मोमिनों के लिए उसको हर कोई नहीं समझ सकता है। तुम्हें इसमें किसी भी तरह का फेर बदल करने की जरूरत नहीं है, जैसा उसमें लिखा है वैसा ही लिखो। और वास्तविकता क्या थी कि मोमिनों की अर्जी नहीं पहुंचती खुदा तक, ये कहने का भाव यह था कि दुनियावी जो अर्जी है वो कबूल नहीं होती है। यदि आप संसार की कोई कामना करते हैं, संसारी कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, ब्रह्म सृष्टि कोई भी, तो ब्रह्म सृष्टियों की संसारिक इच्छाएं राज्य पूरी नहीं करते, ये बात उसमें कही गई है। लेकिन अब वो समझ नहीं पाया, लेकिन श्री जी ने कहा कि जैसा उसने लिखा है वैसा ही लिख दो। इस प्रकार अब आगे फिर से अनुवाद का कार्य आगे बढ़ता है। पूरी रात भर, शाम से फिर से लिखना शुरू किया, रात भर लिखते हैं, सुबह सूर्योदय होने वाला होता है, इब्राहिम अपने घर चला जाता है। इस तरह से 16 सिपारे से शुरू किया होता है, 16, 17, 18, 19 सिपारे अनुवाद हो जाते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उनका भी अनुवाद होता है। जब पांचवा सिपारे का अनुवाद चल रहा होता है तो इब्राहिम के मन में दज्जाल आता है। वो सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूं, एक मुसलमान होकर के कुरान का तर्जुमा कर रहा हूँ, अनुवाद कर रहा हूँ इन हिंदुओं के लिए, तो ये तो फिर मैं अपने इस्लाम से गद्दारी कर रहा हूँ। इस तरह से उसके मन में जब ये बात आई, उसने सुंदर साथ को कहा कि मैंने जो अनुवाद की है वो मुझे वापस चाहिए। अब सुंदर साथ ने देने से मना तो कर दिया, लेकिन बेचारे सुंदर साथ बोले भाले विनम्रता से बात करने वाले, तो वो धमकी देने लगा और धमकी दे करके वहां से चला गया। लालदास जी भी पहचान गए कि
कि इसकी नज़र क्या है, इसने धमकी कैसी दी है। उसके मन में ये था कि मैं जाऊंगा मंदसौर के आसपास, औरंगजेब की सेना तो डेरा डाल करके बैठी ही है, तो उनको जा करके मैं भड़का दूंगा, ये उसके मन में था। अब श्रीजी ने भी स्पष्ट जवाब दिया था कि तुम्हें जो करना है कर लो। इसीलिए अब वो वहां से क्रोधित होकर के चला गया था धमकी देते हुए। अब सुंदर साथ जो है वो दुखी हैं थोड़े, और सुंदर साथ के माध्यम से मोहब्बत खान ने ये बात सुनी कि इब्राहिम श्रीजी और सुंदर साथ को धमकी दे करके गया है। मोहब्बत खान गुस्से में निकलते हैं और कहते हैं मैं इब्राहिम का सिर उड़ा दूंगा, और वहां से जाते हैं सीधे इब्राहिम के घर में और हाथ में हथियार लेकर के इब्राहिम की पत्नी से कहते हैं आवाज दे करके कि इब्राहिम कहाँ है, उसको बाहर निकालो, इब्राहिम के बच्चे बाहर निकल। अब इब्राहिम है नहीं घर पर, उसकी पत्नी कहती है कि कहीं पर निकाह कराने गए हैं, शादी कराने के लिए। तो पता पूछ करके ढूंढते ढूंढते वहीं चला जाता है मोहब्बत खान, और वहां जा करके अब आवाज देते हैं फिर से। इब्राहिम बाहर आता है, देखता है कि नहीं है, ये तो हाथ में हथियार है, मारने पे आमादा है, उतारू है, तो तुरंत वो पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं, तुम्हारा आदेश में क्यों ठुकराऊंगा, आपको जो कहना है कह लो, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मोहब्बत खान ने कहा कि तुमने मेरे मुरब्बी को, मुरब्बी मतलब मेरे जो प्रिय है श्रीजी के लिए, वो कह रहा है कि उनको तुमने धमकी क्यों दी। रसूल की कसम है कि अगर तूने माफी नहीं मांगी या अगर उन्होंने तुम्हें माफ नहीं किया तो मैं इसी मंदसौर के बीच में तुम्हें समाप्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा। अब वो गिदड़ बन करके, पहले शेर बन के धमकी दे रहा था, अब गिदड़ बन करके आता है सुबह सुबह ही और श्रीजी के चरणों में लगता है। श्रीजी के चरणों में प्रणाम करता है और चरण छोड़ता ही नहीं, तो पास में नूर मोहम्मद है, वो कहते हैं कि मुर्दार तू उठ खड़ा हो जा, ये तो मेरे हादी का हुक्म नहीं है, वरना मैं तुझे यहीं पर पेट में कटार डाल करके मार डालता, लेकिन क्या करूं, मेरे हादी का हुक्म नहीं है और इनके हुक्म की बेअदबी मैं नहीं कर सकता, अन्यथा मेरे हादी को तू ऐसा कुछ कह दे और तू जिंदा रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता, पर क्या करूं, मेरे सदगुरु का, मेरे हादी का आदेश नहीं है। अब वो फिर नूर मोहम्मद के पैर पकड़ लेता है, कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूं। नूर मोहम्मद कहते हैं कि तूने जिन जिन सुंदर साथ का मन दिल दुखाया है तुझे सबसे माफी मांगनी पड़ेगी। अब वो हर सुंदर साथ के एक एक के पैर पकड़ करके माफी मांगता है, सुंदर साथ माफ कर देते हैं। अब उस पर विश्वास तो नहीं है, लेकिन इब्राहिम के भाई से वो जो पांचवा सिपारा प्रारंभ किया था उसको पूरा करवाते हैं। और इसी समय अब दज्जाल तो दज्जाल है, अब उसमें इतना अधिक कपट है इब्राहिम के मन में कि वो शांत रह ही नहीं सकता। सामने तो उसने माफी मांगी और माफी मांगने के बाद जाकर के औरंगजेब की सेना को उसने उकसा दिया, भड़का दिया। अब औरंगजेब की फौज सुंदर साथ को, श्रीजी को जगह जगह पर ढूंढती फिर रही है। कहते हैं इन समय दज्जाल ने शोर किया जोर, रहे साथी सब जुदे जुदे, काहू चितना हुआ मरोर। अब सब सुंदर साथ छिपे हुए हैं और अब 5,000 लोग एक साथ तो नहीं छिप सकते, लगभग 5,000 हैं अभी, तो इसलिए सब अलग अलग होते हैं, दो दो तीन तीन लोगों की, चार चार लोगों की टुकड़ी भी बढ़ जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं। अब इकट्ठे होते तो जैसे तैसे गुजारा चलता, लेकिन अब क्या करते हैं, छिपे हुए हैं अलग अलग जगह पर। एक बार निश्चित किया जाता है कि निश्चित स्थान पर श्रीजी से मिलेंगे, तो दिन में एक बार श्रीजी का दर्शन करने के लिए आते हैं। झोली में
भिक्षा मांग करके अलग अलग जगहों से टुकड़े इकट्ठा करके लेके आते हैं। सोचिए कि अगर एक बार मिलते हैं इसका मतलब भोजन कितनी बार करते होंगे, एक ही बार करते होंगे श्री जी और सुंदर साथ। और तब भी कोई गीला सिकवा नहीं है। कुछ एकाध लोग होंगे जो फकीरी वेश धारण करते हुए भी रोते धोते तैयार हो गए थे, अन्यथा किसी को कोई शिकायत नहीं। क्या कहते हैं, श्री राज आरोगत हेत सो एक इनकी झोरी के। श्री जी पूछते हैं जब वो आरोगते हैं, जब वो भोजन ग्रहण करते हैं तो पूछते हैं कि ये वाली झोली किसकी है। और सुंदर साथ भी कहते हैं हंसते हुए कि श्री जी ये हमारी वाली झोली है। राजी होवे तिन पर बातें हंस हंस करे बनाए, मैं अजमावत तुमको इन मजलों पहुंचाए। कष्ट है लेकिन चेहरे पर किसी के सिकन नहीं। भिक्षा मांग करके गुजारा कर रहे हैं और वो भी कौन कौन मांग रहा है भिक्षा? वो लालदास जिनके कहने में तो यही आता है कि 99 जहाज थे, खैर गिनती कोई भी हो लेकिन सेठ थे वो। वो चिंतामणि भी होंगे जिनके 1000 शिष्य थे। वो गोवर्धन है जिनके पास धन का कोई अभाव नहीं। सूरत से जितने सुंदर साथ चले हैं सब व्यापारी वर्ग के हैं। ललिता सखी जैसी हैं जो उद्योगपति की पुत्री हैं। सभी अच्छे घर से आए हैं लेकिन अब राज्य ने जो खेल दिखाया है उसी में वो राजी हैं। हम तो केवल अर्जी गाते हैं, पिया तुम हो तैसी की जियो, लेकिन जैसे ही वो तैसी की जियो घटित होने लगता है ना हम पर, तो फिर कहते हैं कि नहीं राजी ऐसी मत कीजियो, बाकी कैसी भी कीजियो पर ऐसी मत कीजियो। फिर हम कहने लगते हैं कि इतना बुरा हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। ये राज्य की पहचान नहीं है, ये विश्वास नहीं है। आपको पता है एक समय ओलंपिक में एक गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर हुआ और उसको एक घातक बीमारी हो गई थी। घातक बीमारी मतलब कि जिससे बचने की कोई संभावना ही नहीं, ऐसे बीमारी हो गई थी। किसी रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आपने ऊपर वाले से ये प्रश्न नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने जो जवाब दिया वो मैं आज भी सोचता हूं तो मुझे उससे प्रेरणा मिलती है, मुझे लगता है कि शायद आप भी उससे कुछ सीखें। उसने बहुत घुमा फिरा करके सीधा सा उत्तर दिया। घुमा फिरा करके कैसे? उसने प्रारंभ कहां से किया, कहता है कि देखो पूरी दुनिया में लगभग 200 देश हैं, जिसमें से मेरे विचार से 198 देश ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि 7 अरब की जनसंख्या थी उस समय, तो 7 में से कम 5 अरब लोग तो ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत तैरना जानते होंगे, स्विमिंग करना। और हर देश में करोड़ों लोग जो स्विमिंग की ट्रेनिंग लेना प्रारंभ करते हैं थोड़ा बहुत, उसमें से कुछ लाख लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल स्विमर बन पाते हैं। प्रोफेशनल स्विमर का तात्पर्य जैसे ट्रेनर हो गए, स्विमिंग के ट्रेनिंग लेने वाले हो गए, इसी तरह से और विभिन्न विभागों में जाते हैं ना, उनमें से कुछ हजार लोग होते हैं जो कि नेशनल लेवल तक पहुंच पाते हैं और कुछ 100 लोग होते हैं जो इंटरनेशनल खेलते हैं, और फिर दर्जन भर लोग ऐसे होते हैं जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। और ओलंपिक में सोचिए कि इतने अरब लोगों में से कुछ लोग ही क्वालिफाई करते हैं, और गोल्ड कितने लोग जीतते हैं? एक ही जीतता है, और वो गोल्ड मैंने जीता। और जब मैंने गोल्ड जीता तब मैंने ये नहीं पूछा कि मैंने ही क्यों जीता। जब मेरे साथ अच्छा हो रहा था तब तो मैंने परमात्मा को ये नहीं कहा कि मैंने ही क्यों जीता। तो जब कुछ बुरा हो रहा हो तो मैं ये कैसे कह दूं कि तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? लेकिन हमारे साथ इसका उल्टा है। अच्छा हो
कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अच्छा हो रहा है तो फिर चल रहा है, हमने मेहनत की, हमने पढ़ाई की, हम पास हो गए, हमको अच्छी नौकरी मिली, इस तरह से चलता है। लेकिन बुरा हो तो क्या लगता है कि राजी इतना दुख क्यों दे रहे हैं। और इंद्रावती जी कहती हैं, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे भाग्य तुम। अब वो सुंदर साथ खेल देख रहे हैं, उन सुंदर साथ ने वास्तव में खेल को देखा है, माया को देखा है, हमने नहीं देखा। हमने अपने जीवन में उतार चढ़ाव कहाँ देखा है, देखा भी वो तो बहुत थोड़ा सा देखा है, हल्का सा देखा है। हम सबको अपना अपना दुख बड़ा लग रहा होता है जब तक हम दूसरों के दुख के बारे में कल्पना नहीं करते। एक गाना आया था, बहुत पुराना गाना है, कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। हमें थोड़ा बहुत कष्ट करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तो लगता है कि हमने बहुत जीवन में स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल इन ब्रह्म मुनियों से पूछिए कि जिनकी सेवा करने के लिए नौकर चाकर थे और आज भिक्षा मांग करके गुजारा कर रहे हैं, वो भी उस बात पर भी कोई गिला शिकवा नहीं, हंसते हुए श्री जी से बात करते हैं और श्री जी भी हंसते हैं, कहते हैं मैं अजमावत तुमको इन मंजिलों पहुंचाए, यहाँ तक इस मंजिल तक पहुंचा करके भी मैं तुम्हें आजमा रहा हूँ। और वह आजमाना कैसे पता, ब्रज से रास में गए थे तो उथले वचन हुए थे, याद है, रास के प्रेम लीला का उत्तराधिकारी बनने के लिए वो थोड़ा सा उथला वचन सहना पड़ा। इसी तरह से जागनी रास जो पन्ना जी में पहुंचने के बाद सुंदर साथ को मिलना है, जो 11 वर्ष तक पन्ना जी में आनंद मिला है राज्य के माध्यम से, उस आनंद का उत्तराधिकारी बनाने के लिए, उस आनंद को पाने के लिए जो पात्र बनाना है, तो वो पात्रता यहाँ पर तैयार की जा रही है। अब सुंदर साथ प्रसन्न होकर के बात करते हैं आपस में और कहते हैं कि ऐसा दिन हमें कब मिलता, माया में रहते तो ऐसा दिन नहीं मिलता, ऐसा आनंद नहीं आता। मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से कोई भी व्यक्ति अगर आपस में बैठ करके बात करेंगे ना, तो जितनी भी अच्छी से अच्छी स्मृतियां होंगी आपकी, अच्छी से अच्छी मेमोरीज होंगी, वो अभाव के दिनों की होंगी। जब आपके पास कोई कमी होगी और उस कमी के बीच में जो छोटी छोटी खुशियां होंगी, उसको आप आज भी याद करते होंगे। लेकिन जब आप अच्छा कमाने लायक होंगे, उसके बाद फिर मेमोरीज आपके जीवन में कुछ भी नहीं होता। इसीलिए उन्होंने उस समय जो भौतिक दृष्टि से अभाव के दिन थे, उस बीच ऐसी खुशी को ढूंढा। और वो खुशी क्या कि 24 घंटे में से श्री जी से एक बार मिलने का मौका मिलता है। भिक्षा मांग करके आते हैं, श्री जी हंसते हुए पूछते हैं किसकी झोली के हैं। सोचिए वो अक्षराती जिन्होंने अपना प्रेम निभाया, आशिक मेरा नाम कहा तो उस आशिकी को निभाने के लिए, उसी प्रेम को निभाने के लिए ही तो भिक्षा का अन्न वो सेवन कर रहा है, हम ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए, वरना क्या कमी थी। और सिखापन हम जैसे सुंदर साथ को देना है, वरना भीख मांगने की जरूरत ही नहीं थी। सोचिए कि जिनकी कृपा दृष्टि से पन्ना की धरती हीरा उगल रही है, जिनकी कृपा दृष्टि से कोट ब्रह्मांड जाकी पल थी पैदा, तो उन्हें भिक्षा मांगने की क्या जरूरत थी। पर तैयारी करानी है सुंदर साथ को, और साथ ही क्योंकि सुंदर साथ को तैयार करना है, तो एक सच्चा नेतृत्व करता वही होता है, क्योंकि श्री जी को कत्ते पक्ष में क्या कहा है, आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी। इमाम का अर्थ होता है धर्म में नेतृत्व करने वाला, और नेता कभी भी पीछे से धक्का नहीं लगाता है, नेता आगे से रास्ता दिखाता है कि ऐसे करना है। दो तरह के लोग होते हैं ना संसार में, एक मालिक और एक नेता, बॉस और लीडर। हमें अगर किसी भी मिशन को पूरा करना है तो हमें बॉस नहीं, हमें लीडर बनने की आवश्यकता है। और लीडर हमेशा चल करके दिखाता है, श्री जी ने भी चल कर दिखाया। वरना श्री जी सुंदर साथ को बोल देते कि चलो मैं जा रहा हूं अभी, आप लोग जब जब आपकी अवस्था ठीक हो तब आ जाना,
और सुंदर साथ मना नहीं करते, सुंदर साथ सोचते कि चलो हम थोड़ा तकलीफ करें, श्री जी को तकलीफ क्यों दें, श्री जी को जाने देते। लेकिन नहीं, श्री जी ने साथ में रहना स्वीकार किया और सब सुंदर साथ की भिक्षा उन्होंने ग्रहण की और 8 महीने तक, एक दिन दो दिन एक हफ्ता नहीं, 8 महीना दिन में एक बार भिक्षा का अन्न ग्रहण करके उन्होंने गुजारा किया। और उस समय बाईजीराज जी ने भी सुंदर साथ की बहुत सेवा की। सुंदर साथ जो इकट्ठा करके लेके आते थे, बाईजीराज जी सब में बांट देती थी बराबर, क्योंकि ऐसा होता है कि अब भिक्षा मांगने गए तो सबको बराबर तो नहीं देंगे, किसी को हो सकता है कि किसी घर में भिक्षा मिले, किसी को ना मिले, किसी को ज्यादा मिले, किसी को कम मिले, किसी को अच्छे व्यंजन मिले, किसी को रूखी सूखी रोटी मिले। तो बाईजीराज जी क्या करती हैं कि कुछ सुंदर साथ को साथ में लेकर के सभी सुंदर साथ को बराबर बांटने का प्रयास करती। इस तरह से उन्होंने सेवा की, एक दूजे को सेवही हर भांत कर चित, हेत करें मिनो मिने कहूं शक न बैठत। किसी के अंदर संशय नहीं है, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। अब मंदसौर में से श्री जी ने मुकुंद दास जी को भेजा भाव सिंह के पास। औरंगाबाद में भाव सिंह का राज्य है। मुकुंद दास जी को कहा कि वो एक हिंदू राजा है जो धार्मिक प्रवृत्ति का भी है, आप जाकर के उन्हें प्रबोधित कीजिए। मुकुंद दास जी जाते हैं और भाव सिंह की जागनी करते हैं। कैसी जागनी की, वो आगे आएगा, पर बीच में श्री लालदास जी उज्जैन की बीतक बता रहे हैं। 8 महीने तक मंदसौर में रहने के बाद अब सब सुंदर साथ को खबर दिया जाता है कि अब इकट्ठे होना है और यहाँ से निकल करके हमें चलना है। सब सुंदर साथ इकट्ठे होते हैं, मंदसौर से चल करके सीतामऊ पहुंचते हैं। ये सब मध्य प्रदेश में है। सीतामऊ से नौलाई और नौलाई से उज्जैन पहुंचते हैं और उज्जैन में श्री जी 22 दिनों तक रहते हैं। सोचिए कि 8 महीने तक भिक्षा में गुजारा किया है और 22 दिन तक भंडारा ही भंडारा हो रहा है अलग अलग लोगों के घर पर। श्री जी उज्जैन में जहां पर पहुंचे थे वहां पर आज भी मंदिर है। उज्जैन में आप जाएंगे तो 2 मंदिर मिलेंगे पुराने उस समय के। वहां पर जाकर के आप थोड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि श्री जी यहाँ पर आए थे तो सबसे पहले कहाँ ठहरे थे, कहाँ कहाँ पर गए थे। 2016 में 1 महीने के लिए मुझे उज्जैन में कुंभ के मेले में रहने का अवसर मिला था, तो वहां पर ये सब जानकारियां प्राप्त हुई थी। 22 दिन तक वहां रहते हैं, अलग अलग लोगों के घर में रसोई होती है, कभी कोई बुला रहा है, कभी कोई बुला रहा है। सोचिए कि संतों का, साधुओं का, महात्माओं का, वैरागियों का जीवन कैसा होता है। स्वामी जी कहते हैं ना कि कभी घी घने, कभी मुट्ठी भर चने, कभी वो भी मने। 8 महीने तक मुट्ठी भर चने में अर्थात रूखा सूखा में गुजारा करना पड़ा था, अब यहाँ 22 दिन तक अलग अलग लोगों के घर में रसोई ही रसोई होती रहती है। और 22 दिन उज्जैन में रहने के बाद श्री जी वहां से चल करके 23वें दिन नौलाई नाम के गांव पहुंचते हैं। एक दिन वहां रह करके पहुंचते हैं नुनेरा नाम के स्थान में, वहां एक दिन रह के पहुंचते हैं बुढ़ानपुर और वहां से पहुंचते हैं औरंगाबाद। और औरंगाबाद की जो बीतक है आगे वर्णन करने जा रहे हैं। श्री जी ने मुकुंद दास जी को भेजा है, साथ में केशव दास जी, खिमाई और वल्लभ जी भी हैं, क्योंकि अब बड़ा काम है, राजा को संदेश देना है तो अकेले जाना ठीक नहीं था। तो 4 सुंदर साथ गए हैं जिनमें से मुकुंद दास जी प्रमुख हैं, उनके पास ज्यादा ज्ञान है। वो जाते हैं भाव सिंह राजा के वहां। अब फकीरी वेश धारण किए हुए एक दुकान में ठहरे हुए थे। अब फकीरी वेश धारण किए हुए कुछ दिन हो गया। अब औरंगाबाद में महीने भर से ऊपर हो चुका है, कई जगह से कोशिश की भाव सिंह से मिलने की लेकिन नहीं मिल पाते। एक दिन दो दिन विचार करते रहते हैं, लेकिन मुकुंद दास जी के मन में अब निराशा आने लगती है कि नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, मैं वापस चला जाता हूँ। फिर सोचते हैं कि वापस जाऊं तो क्या मुंह लेके जाऊं, कि जब 12 मोमिन
औरंगजेब के दरबार में जाकर के संदेश दे सकते हैं। वहां तो पूरी तरह से मृत्यु का भय था, और मैं एक हिंदू राजा को संदेश नहीं दे पाया तो मेरी हंसी होगी। इससे अच्छा यह है कि नहीं, श्री जी के आदेश का पालन किया जाए। और जब पालन करने का दिल में लिया तो उपाय ढूंढने लग गए। तो मुकुंददास जी ने खिमाई भाई के साथ मिल करके भिक्षा मांगी, दोनों ने भिक्षा मांगी। भिक्षा मांग करके कुछ पैसे तैयार किए, उसमें से रेशमी कपड़े लिए, उसकी थैली बनाई और उस थैली में प्रसाद भर करके रखा। और भागवत तथा वेदांत की कुछ प्रश्न भी लिख करके उसी थैली में डाल दिया। और अब वो प्रतीक्षा करने लग गए कि किस तरह से मिला जाए। अब जब वो उस प्रयास के क्रम में थे तो भाव सिंह का जो गुरु था महंत रामदास को इस बात की भनक लग गई कि ये कुछ संत हैं जो राजा भाव सिंह से मिलना चाहते हैं। और रामदास ऐसा दुष्ट महंत था, स्वार्थी, जो कि ये सोचता था कि अगर किसी दूसरे संत को मिलने दिया और वो मेरे से ज्यादा ज्ञानी निकले तो मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी। इसलिए उसने वहीं से मुकुंददास जी को डंडा मार मार करके भगा दिया, नाले के पार पहुंचा दिया और कहा कि अगर तुम्हें औरंगाबाद में मैंने दोबारा देखा तो हम दोबारा मारेंगे। अगर भावसिंह राजा को तुमने दूसरा रास्ता दिखाने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की, तो हम फिर से मारेंगे। इस तरह से उसने धमकी दी। अब मुकुंददास जी ने सोचा कि इसके मन में तो दज्जाल है, मिलने ही नहीं दे रहा है, अब क्या किया जाए। उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। देखिए, जीव में सबके कमियां होती है, रही होंगी मुकुंददास जी में भी थोड़ी। सर्वस्व समर्पण तक अभी नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन कम से कम श्री जी के आदेश पर डंडा खाने के बावजूद भी वो पीछे नहीं हटे हैं। ये गुण हमें नहीं भूलना चाहिए। तो मुकुंददास जी ने अब विचार किया कि वहां पर एक देवी का मंदिर था। उनको पता चला कि भाव सिंह यहाँ पर आते रहते हैं, तो उसी देवी के मंदिर में छिप करके वो बैठ गए। अब जब भाव सिंह आया आरती के समय में, तो उन्होंने चुपके से वो प्रसाद वाली थैली जिसमें चिट्ठी भी रखी हुई थी वो दे दी। भाव सिंह ने देखा कि अच्छा कोई प्रसाद दे रहा है, तो उसको माथे पर ऐसे लगा करके प्रणाम करके वो थैली स्वीकार कर ली और अंदर दरबार में जाने के बाद मुकुंददास जी को बुला लिया। थैली वगैरह खोल करके भी देखी, क्योंकि भागवत से संबंधित प्रश्न थे, उनको लगा कि ये जिनके मतलब जिनके भी ये शिष्य हैं वो कृष्ण जी के भक्त होंगे, क्योंकि प्रश्न किसके थे, भागवत के, वेदांत के भी थे पर 40 प्रश्न भागवत के थे। तो उन्होंने सरसरी देखा, इनको लगा ये कृष्ण जी के भक्त हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी कृष्णदास जी कहाँ हैं। अब इस चौपाई को पढ़ करके हमारे समाज के जो महाज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं कि देखो श्री जी को क्या लिखा है अभी तक में, कृष्ण जी का भक्त लिखा है कि नहीं लिखा है। तो श्री जी को हम अगर प्राणनाथ जी को कृष्ण जी का भक्त कहते हैं तो क्या बुराई है। पहली बात ये देखिए कि कौन कह रहा है, लालदास जी कह रहे हैं या कौन कह रहा है, और दूसरी बात किस अवस्था में कह रहा है, श्री जी से मिलने के बाद, पहचान होने के बाद की बात है या फिर प्रारंभिक बात है। इतने मुझे तो लगता है कि कोई भी जो समझदार व्यक्ति है, समझदार कोई भी समझदार व्यक्ति इस विषय को समझ सकता है कि ये बात भाव सिंह ने उस समय कही जब वो श्री जी की पहचान नहीं कर पाया था। अभी तो मुकुंददास जी से भी बात नहीं हुई थी, तो इस बात को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा उठाना। और जो ये कहते हैं कि बिना पहचान वाले भाव सिंह के प्रसंग को लेकर के प्राणनाथ जी को कृष्णदास कह सकते हैं, वो छत्रसाल जी के द्वारा कही हुई यही अक्षराती थे यही धनी नाम या पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे या तीन में सिरदार अक्षरातीत या फिर केशवदास जी के वह तो अक्षरातीत था, इन चौपाइयों को क्यों नहीं देख सकते। तो ये विचारणीय प्रश्न है। अब चिट्ठी खोल करके वो पढ़ने लग गए जिसमें भागवत के और वेदांत के प्रश्न थे। रामदास जो महंत जिन्होंने पहले
मुकुंददास जी को डंडा मारा था, वो वहीं पे बैठा हुआ था। उसने पहले ईर्ष्या भरे वचन कहे कि देखो इनकी बात नहीं सुननी चाहिए, ये तो दो दो तरह के कृष्ण की बात करते हैं, इनका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। भावसिंह ने कहा कि तुम ऐसी बात क्यों कह रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम तो दुश्मन हो, ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, इन्होंने तो जो बात कही यहाँ पर प्रमाण लिखा है। भावसिंह को ये बात समझ में आ गई कि इसके अंदर जलन है, ईर्ष्या है। भावसिंह ने आदेश दिया कि मुकुंददास जी को हमारी हवेली के पास में रहने की जगह दी जाए। रामदास कहता है कि महाराज मैं इनकी सेवा करना चाहता हूं, मुझे इनकी सेवा की इच्छा है। मुकुंददास जी कहते हैं कि महाराज बिल्कुल भी नहीं, ये हमारी पहले बहुत सेवा कर चुके हैं। कैसे? डंडे से। तो ये हमारी पहले ही सेवा कर चुके हैं, उन्होंने अपनी पीठ दिखाई। जैसे ही उन्होंने पीठ दिखाई जिसमें डंडे के निशान थे, उसको देख करके भावसिंह को बहुत दुख हुआ, धक्का दे करके उसको वहां से उठाया और गाली दे करके निकाला कि जो साधु हमारे यहाँ आते हैं तुम उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो, हमारे यहाँ से अभी निकल जाओ और इस देश में रहने की आवश्यकता नहीं है। अब राजा ने अन्य पंडितों को बुलाया और बुला करके मुकुंददास जी से उनकी बातचीत कराई। मुकुंददास जी ने कुछ प्रश्न पूछे जिनका उत्तर नहीं आया पंडितों को, और जैसे उनको उत्तर नहीं आया तो ये भी क्या करते हैं, जैसे सभी पंडित कर रहे हैं वो भी निंदा करने लग गए, जैसे रामदास ने किया, जैसे उदयपुर के पंडितों ने किया, जैसे निंदा करने लगे। भावसिंह ने कहा कि देखो तुम्हें जवाब नहीं आ रहा है तो तुम्हें निंदा करना नहीं चाहिए, ऐसा करो कि तुम भी इन्हें प्रश्न पूछो, ये तुम्हें प्रश्न पूछेंगे तुम इन्हें प्रश्न पूछोगे। और मुकुंददास जी कहते हैं कि देखिए पंडित जी के प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगा, इनको प्रसन्न करूंगा प्रमाणों से, और मैं जो पूछता हूं ये पंडित मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे, दोनों में से जो हारेगा उसको गले में जूता बांध करके शहर में घुमाया जाए। मुकुंददास जी ने अब शर्त रख दी। पंडितों ने 80 प्रश्न लिखे और मुकुंददास जी ने मात्र 23 प्रश्न लिखे, और 15 दिन की मोहलत दी कि मैंने जो 23 प्रश्न पूछे हैं वो आप 15 दिन में उत्तर दे देना, और पंडितों के पूछे 80 प्रश्नों का उत्तर मुकुंददास जी ने वही के वही हाथों हाथ दे दिया। अब उन्होंने कहा कि हमें समय चाहिए, 15 दिन की मोहलत मिली है। भावसिंह कहते हैं कि ये इतने बड़े पंडित होकर के अगर 15-15 दिन का समय मांग रहे कोई बात नहीं, समय ले ले। कह दिया भावसिंह ने कि देखो ठीक है तुम्हें 15 दिन समय मिलेगा, लेकिन आपको जो रोज 10-20 रुपए मिलते हैं ना उस समय के 10-20 रुपए पंडितों को, तो भावसिंह कहते हैं कि रोज आपको जो 10-20 रुपए मिलते हैं जब तक तुम इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तब तक हम वो पैसा तुम्हें नहीं देंगे, जो तुम्हें दान दक्षिणा मिलती है वो नहीं मिलेगी। अब मुकुंददास जी ने तो उसी दिन उत्तर दे दिया था, पंडितों को उत्तर नहीं आया। रात को सब लोगों ने बैठ करके अब मीटिंग करी, विचार विमर्श किया, कहते हैं कि ये तो हमें उत्तर आने वाला नहीं है, और अगर भावसिंह ने जो शर्त रखी है उसके हिसाब से देखा जाए तो हम कभी उत्तर दे नहीं पाएंगे और ऐसे तो भूखे रहेंगे, अब उपाय क्या है। तो मुकुंददास जी के पास गए, जाकर के कहते हैं कि महात्मा जी क्या आपके स्वामी जी ने, श्री जी के लिए कह रहे हैं कि आपके स्वामी जी ने क्या यही कहा है, यही कह करके भेजा है कि पंडितों की रोजी रोटी पर लात मारो, अगर ऐसा ही है तो फिर हम संतोष मान लेंगे, और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके स्वामी जी ने हमारी रोजी रोटी छुड़ाने के लिए आपको नहीं भेजा है तो कृपया जो हमें राजा से मिलता है वो दिलवा दीजिए, हमें उत्तर नहीं आता है। मुकुंददास जी जाते हैं भावसिंह के पास अगले दिन और कहते हैं कि महाराज हमने जो प्रश्न पूछे इसका उत्तर इनको ही नहीं
इस दुनिया में किसी को भी नहीं आता है, क्योंकि ये तो अखंड की बात है, यही संसार की बात नहीं, ये संसार से परे की बात है। इसीलिए आप इनकी रोजी रोटी पर लात मत मारिए। जो आप इन्हें दे रहे थे दक्षिणा के रूप में, वो उन्हें दिया कीजिए। अब राजा ने कहा कि ठीक है, आपके कहने पर मैं इनको पैसा तो दे रहा हूं, दक्षिणा तो दे रहा हूं, पर पूरा नहीं मिलेगा। पहले भरपेट खा करके आनंद करते थे, सब घी घने मिल रहे थे, अब केवल पेट भर गुजारा हो सके इतना ही मिलेगा। ये जो मेवे छान रहे हैं अब ऐसा नहीं मिलेगा, अब केवल रूखा सूखा खा करके गुजारा कर पाए उतनी में व्यवस्था कर दूंगा। क्योंकि एक तो इन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया है, और दूसरा कि अगर ज्ञान कम है तो साथ में विनम्रता तो हो। इनके पास तो क्या है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इसलिए ये जो बिगड़ गए हैं, इसका जो कारण है ये वही है कि बैठे बैठा इनको इतना धन मिला है, उसी का लालच है और उसी का अहंकार भी है ज्ञानी होने का। इसलिए अभी भी आधा ही धन मिलेगा। मुकुंददास जी ने कह दिया कि देखो, मैंने तुम्हारा काम तो कर दिया है, तो तुम्हारी रोजी रोटी जो नहीं रुकेगी। अब एक दो दिन तक मुकुंददास जी ने चर्चा सुनाई। चर्चा सुनाने के बाद अब उन्हें श्री जी के स्वरूप की पहचान हुई, तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया और कहा कि आप श्री जी साहेब जी को बुलाकर ले आइए। बूंदी नाम के स्थान में जहां पर हाथी शाला है, वहां से एक हथिनी लेकर के जाइए। हम घोड़ा लेकर के जाते हैं, आप लेकर के जाइए और शीघ्रतापूर्वक श्री जी को ले आइए। अब बाईजीराज जी और अन्य महिलाओं सुंदर साथ के लिए ठहरने के लिए भी वहां पर एक हवेली की व्यवस्था कर दी। मुकुंददास जी वहां से विदा लेकर के पहुंचते हैं मंदसौर। उस समय श्री जी मंदसौर में ही थे, क्योंकि मंदसौर से इनको भेजा था ना मुकुंददास जी को, और 8 महीने रहे थे श्री जी, तो ये इस बीच की घटना थी। वहां से श्री जी को लेकर के चलते हैं। अब बीच में जो उज्जैन इत्यादि की घटना आई, वो सारी घटनाओं के बाद अब श्री जी पहुंचते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद आकर के जैसे श्री जी पहुंचे, हवेली में रहने की जगह दी है, भाव सिंह आते हैं और भाव पूर्वक श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और श्री जी का दर्शन करके स्वयं को कृत कृत्य समझते हैं, धन्य धन्य समझते हैं। अब उनमें राजा वाला अहंकार नहीं है, भक्ति भाव तो है, पूरी तरह से भक्ति भाव कूट कूट के भरा है। वो अपने हाथ से भोजन कराते हैं, अपने हाथ से सेवा करते हैं। और एक दिन नरसिंह के शब्द, नरसिंह के जो कीर्तन है वो चल रहे होते हैं, वो प्रेम में मग्न होकर के नाचने लगते हैं। कहते हैं, भगत भाव जोर रहे सेवे परमेश्वर, सक कछुना वही भगत भाव ऊपर। उनके मन में किसी प्रकार का संशय ही नहीं है, श्री जी को साक्षात अक्षरातीत रूप में मान करके वो सेवा कर रहे हैं। अब रासलीला के कीर्तन सुने, उन्हें विश्वास हो गया। अब कतेब पक्ष की जैसे ही बात की, मुसलमानों की बात की श्री जी ने, तो भाव सिंह कहते हैं कि देखो, मेरे दरबार में 4 मुसलमान हैं, अगर आप उन्हें समझा सकते हैं अपने ज्ञान से, तो फिर मैं मुसलमानों से, औरंगजेब से युद्ध करने के लिए तैयार हूं। श्री जी ने कहा ठीक है, आप उन्हें हमारे पास सौंप दीजिए। तो उन्होंने, भाव सिंह ने अपने दरबारियों को श्री जी के पास जाने के लिए कहा, श्री जी के विषय में बताया। अब इस समय भवानी भट्ट जो उदयपुर में श्री जी से मिले थे वो भी आते हैं। दक्षिण भारत से बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र, ये 2 ग्रंथ लेकर के आते हैं। ये संक्षिप्त ग्रंथ है, आपको हमारी पुस्तकालय में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के विषय में बताया कि विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक कौन है। उसमें लिखा है, एक श्लोक आता है उसमें कि अक्षरातीत एषो वै पुरुषो बुद्ध उच्यते तेजोमयश्चादि रूपः तस्यावतारोच्यते।
कि अक्षरातीत ही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में है। इस तरह से उस ग्रंथ को वो लेकर के आते हैं। प्रतिदिन चर्चा के समय में वो उसके श्लोकों को बांच करके पढ़ करके सुनाते हैं और श्री जी के उनको पहचान होती है। अब हाउसिंग के जो दरबारी थे चार मुसलमान, उनमें से एक हैं अव्वल खान, जो उदयपुर में पहले ही मिल चुके हैं। उन्होंने श्री जी के स्वरूप की पहचान कर लिया है। और जहान मोहम्मद मेहीन खान भी है, इनको भी श्री जी के स्वरूप की कुछ कुछ पहचान होती है चर्चा सुन करके। मेहीन खान को जब ईमान आता है तो वो दज्जालों से, अज्ञानता से और अपने आसपास के जो जाहिरी कट्टर मुसलमान थे उनसे लड़ने लगते हैं। अब जहान मोहम्मद भी सनंद सुनते हैं, उनको भी पहचान होती है। जहान मोहम्मद के अंदर परमधाम का अंकुर था, क्योंकि उन्होंने कुरान की पूरी टीकाएं पढ़ रखी थी और पढ़े लिखे लोगों में उनको अरबी खान के नाम से जानते थे। और जितने भी पठान वहां पर थे उन सभी पठानों को तालीम देने का काम जहान मोहम्मद ने किया था। और जब वो श्री जी से चर्चा सुनते हैं तो उनको भी श्री जी के स्वरूप पर कुछ ईमान आता है। अब रात के समय डेढ़ प्रहर तक बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र की चर्चा होती है। उसके बाद श्री जी भोजन ग्रहण करते हैं, थोड़ी देर के लिए वो लेटते हैं और फिर रात को उठ करके पुनः चर्चा प्रारंभ करते हैं। रात्रि के दूसरे प्रहर में मतलब 9 बजे के बाद से चर्चा होती है। श्रृंगार की चर्चा की जाती है, श्री जी का श्रृंगार किया जाता है। संध्या के समय में आरती की जाती है। एक तरफ लालदाह जी हैं, एक तरफ भवानी भट्ट हैं। लालदाह जी कुरान को साथ में रखते हैं, भवानी भट्ट भागवत को साथ में रखते हैं। दोनों पक्ष में एकीकरण करने की श्री जी चर्चा करते हैं। क्या कह रहे हैं? श्री राज मायने करत हैं सुनने वाला साथ। श्री जी अर्थ करते हैं, सुंदर साथ चर्चा सुनते हैं। कोई सवाल करत हैं, कोई बानी लेवे हाथ। कोई सुंदर साथ सवाल पूछते हैं और कुछ सुंदर साथ हाथ में वाणी लेकर के खड़े हैं। आपको पता है कि कभी भी किसी भी समय में वाणी अवतरित होती है तो सुंदर साथ लिखने के लिए सदा सर्वदा तैयार होते हैं। अब अव्वल खान जहान मोहम्मद को लेके आते हैं। 2 महीने तक चर्चा सुनते हैं पर उनके मन में आधा ही विश्वास होता है, अभी पूरी तरह से विश्वास नहीं आया होता है। तो एक दिन क्या होता है कि लालदाह जी और उत्तम दाह जी दोनों जब बात कर रहे होते हैं, बात करते करते वो राज्य के स्वरूप के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं। अब मुसलमान तो क्या मानते हैं कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है? बेचुन बेचगुन बेसब्बी बेनिमुन निराकार निर्गुण मानते हैं और कहते हैं कि खुदा की सूरत का बयान खुद खुदा ही कर सकता है, दूसरा कोई कर नहीं सकता। अब ये तो जाहिर ही बात हो गई, ब्रह्म सृष्टि में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। लौह अग्निवत सिद्धांत से जैसे कहते हैं ना, ब्रह्म विदो ब्रह्मे व भवति, तो इसी सिद्धांत के आधार पर ब्रह्म सृष्टियों में और राज्य में कोई अंतर नहीं है। सुंदर साथ की तो अवस्था ऐसी हुई थी और विशेष रूप से लालदास जी या ऐसे ब्रह्म मुनि, उन्हें जब पन्ना जी पहुंचते हैं, पन्ना जी पहुंचने के बाद जब उनसे पूछा जाता है कि पुखराज पहाड़ की तलहटी कैसी है, ठोस है कि पोली है, वो जमीन पर ठोक करके, यहाँ की जमीन को ठोक करके वो उत्तर देते हैं, तो ऐसी अवस्था हुई थी। तो उन्हें राज्य का श्रृंगार बताने में कोई कठिनाई नहीं थी, पर क्योंकि वो आधे पक्के थे उनको लगा कि ये तो काफिरों वाली बात है, ये खुदा की सूरत का जिक्र कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार दो दिल होता है उनको कि ये सही है कि गलत है, दुविधा में वो पड़ जाते हैं। अब लालदास जी और उत्तम दास जी आते हैं और श्री जी को कहते हैं कि श्री जी साहेब आपकी आज्ञा हो तो हम जहान मोहम्मद को बुलाने जाए उसके घर, क्योंकि वो हमारी बात से नाराज होकर के चला गया। श्री जी कहते हैं कि देखो उसने मेरी चर्चा सुनी है, अब उसका मन नहीं लगेगा घर पर और घर पे टिक नहीं पाएगा, वो मेरे पास जरूर आएगा और अभी नहीं कल सुबह तक वो आ जाएगा।
श्री जी ने कहा। और अगले दिन वो सुबह आते हैं श्री जी के पास, श्री जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि आप मुझे समझाते क्यों नहीं है, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही है। श्री जी कहते हैं कि देखो तुम कहीं ना कहीं संशय लेकर के सुनते हो। बस 8 दिन तक एक प्रहर, ज्यादा नहीं 3 घंटे, 8 दिन तक एक प्रहर मेरे पास बैठ करके तुम चर्चा सुनो, जो भी प्रश्न है तुम पूछो, तो इतने में तुम्हारी जागृति होगी। अब चर्चा सुनने लग गए तो उन्होंने सवाल पूछा कि श्रीजी साहब, कुरान में लिखा है कि कयामत के समय में मुर्दे उठेंगे, तो वो मुर्दे कैसे उठेंगे। श्रीजी साहब ने उत्तर दिया, क्योंकि हमने उस दिन दिल्ली के प्रसंग में भी सुना था, कब्र से मुर्दा उठना। कब्र क्या है? ये शरीर, और मुर्दा है इसमें जो चेतना है। जो ये मुसलमान सोचते हैं ना कि कब्र में जाकर के बीच बीच में वो देखते रहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उठे कि नहीं उठे, 7वें दिन में उठने की बात की गई है, अगर उठे तो समझ लो कि कयामत की घड़ी आ गई। वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारा जो शरीर है उसे कब्र कहा गया है, और हमारी जो चेतना अज्ञानता के नींद में कुछ इसको पता नहीं, तो मुर्दे के समान। तो जब ज्ञान प्राप्त करके आत्म जागृति होगी, तो आत्म जागृति को ही मुर्दे का उठना कहा है। और वो कैसे होगा, श्री जी ने उसको संक्षेप में समझाया कि परम धाम से ब्रह्म सृष्टियां इश्क रब्द के वास्ते उतरी हैं, और इस माया में, इस फानी दुनिया में उन्हें 3 तकरार दिखाया गया है, जिसको हम ब्रज, रास और जागनी कहते हैं, जिसको कुरान लैलतुल कद्र कहता है। लैलतुल कद्र मतलब परमात्मा की लंबी रात्रि, लैल अर्थात रात्रि, तुलह मतलब लंबी, कद्र मतलब परमात्मा। तो इस लंबी रात्रि के 3 हिस्से हैं, ब्रज, रास और जागनी। तो इससे पहले 2 तकरार दिखाया जा चुका है, पहले ब्रज की लीला हुई, फिर रास की लीला हुई, फिर रास लीला खेलने के बाद में वही शक्ति अरब में गई, उसके बाद कुरान का वो ज्ञान लेकर के आई, फिर 4थे दिन में देवचंद्र जी के रूप में लीला की, और फिर वो ज्ञान दिया क्षर अक्षर और अक्षरातीत का। जब ब्रह्म सृष्टि अक्षर और अक्षरातीत का ज्ञान प्राप्त करेगी, जिसको नूर और नूर तजल्ला कहा जाता है, जब नींद उड़ी नूर जलाल की, उठ बैठे अक्षर, जब अक्षर ब्रह्म के अंदर परम धाम की जागृत बुद्धि आएगी, जब वो परम धाम को याद करेंगे, जब ब्रह्म सृष्टियां मूल मिलावे को याद करेंगी, 8 बहिष्ठों में संसार के जीव अखंड होंगे। इस तरह जब ईमान ला करके इन बातों में, जो ऊपर वर्णन किया, इन बातों में ईमान ला करके सोए हुए कब्र से उठेंगे, तो कहते हैं जो ईमान ले आए कि सोवे बीच कब्र, सो चुभे नूर के चित में, भूले नहीं क्यों कर, यो उठेंगे मुर्दे कब्रों से कयामत। कयामत के समय में इस तरह से कब्र से मुर्दे उठेंगे। जैसे ही ये बात सुनी, कहते हैं ए दरवाजा खोलते, जोश आया जोर, तब दज्जाल कांपिया करने लगा शोर। अब जहान मोहम्मद को पूरा जोश आता है, श्री जी के स्वरूप पर पूर्ण ईमान आता है, और अब आसपास के जो जाहिरी मुसलमान थे वो शोर करने लगते हैं कि ये तो जो फकीर है वो ऐसा फकीर है कि इसके पास कोई जादुई भुरकी है, जो इसके पास चला जाता है वो उसी का होकर के रह जाता है। इस तरह से वो शोर शराबा करने लग गए, और 8 दिन की बात की थी श्री जी ने, 3रे दिन ही जहान मोहम्मद को हकीकत मारिफत की पहचान होती है, और श्री जी के स्वरूप पर पूर्ण ईमान आता है। अब जहान मोहम्मद, अव्वल खान, मिहिन खान आते हैं, चर्चा सुनते हैं, और वही जहान मोहम्मद जो पहले नाराज होकर के चले गए थे, देखिए तमोगुणी प्रजा है, पर तामसी व्यक्ति भी जब एक बार किसी को दिल दे देता है तो फिर वो पूरी तरह से समर्पित होता है। जहान मोहम्मद को अब चर्चा सुनते सुनते जोश आता है,
और ऐसा विरह आता है कि वो रोने लगते हैं। श्री जी उनका हाथ पकड़ते हैं, सिर पर हाथ धरते हैं और सांत्वना देते हैं कि तू तो मेरा साथी है, तू मेरे परम धाम का साथी है। और जैसे ही परम धाम का नाम सुनते हैं तुरंत सावधान हो जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद ऐसा जोश आता है और जोश में वो गिर जाते हैं। इस तरह परम धाम की चर्चा रात की चार घड़ी बाकी रहने तक अर्थात सुबह के 4:30 बजे तक श्री जी परम धाम की चर्चा करते हैं। इस तरह कहते हैं, यो करते भोर हो वही लीला भई मास चार, नित्याने उत्सव कीर्तन हुआ साथ अंग करार। इस तरह से 4 महीने तक वहां पर जागनी हुई। प्रतिदिन उत्सव होता है, सोचिए 8 महीने तक भिक्षा मांगने के बाद 22 दिन उज्जैन और पुनः 4 महीने तक अब औरंगाबाद में। प्रतिदिन उत्सव होता है, रसोई होती है, कीर्तन होता है, निरंतर चर्चा। सोचिए दिन रात चर्चा होती है, रात में भी सोचिए रात को भोजन के बाद चर्चा प्रारंभ होती है सुबह 4:30 बजे तक। और सुंदर साथ भी सुनने वाले हैं, हम तो 1.5 घंटे के बाद हमारी एनर्जी बैटरी लो हो जाती है। सुंदर साथ पूरी रात सुनते हैं और अगले दिन भी ऐसा नहीं कि रात भर चर्चा सुनिए। हमारा तो क्या होगा, मान लीजिए कि 7 दिन का कार्यक्रम अगर हम यहाँ पर समाप्त करके घर जाते हैं ना, तो वापस 7 दिन लगते हैं रिचार्ज होने में। कहते हैं कि बहुत थक गए थे ज्ञानपीठ के कार्यक्रम में। सोचिए कि ये दिनचर्या उनकी दैनिक है। केवल पन्ना में अष्टप्रहर की दिनचर्या नहीं है, अब्बासी बंदर में भी ऐसी दिनचर्या थी। जहां कहीं भी यात्रा होती है तो यात्रा के दौरान दिनचर्या थोड़ी भंग होती है, लेकिन जहां कहीं पर ठहराव होता है वहां वही दिनचर्या चलती है, पूरी रात चर्चा होती है। तो इस प्रकार सब सुंदर साथ को आनंद प्राप्त होता है। अब औरंगाबाद में भाव सिंह के 4 दरबारियों में से 3 को विश्वास हो चुका है। एक फतेह मोहम्मद है जो कपटी है, जिसमें जिसको ईमान आएगा भी नहीं। और उल्टे कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि किस तरह से भाव सिंह की मृत्यु हो जाती है, वो भी कैसे मृत्यु होती है। वो परम धाम देखने की जिद करते हैं और श्री जी जब अपने जोश की शक्ति के द्वारा उसको परम धाम दिखाने की कोशिश करते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रसंग को लेकर के एक हवा बनाया जाता है कि चितवनी नहीं करना चाहिए, राज्य दिखेंगे तो शरीर छूट जाएगा। उसका समाधान क्या है और भाव सिंह की मृत्यु के बाद किस तरह से फतेह मोहम्मद, जिसने श्री जी पर ईमान नहीं लाया था, वो औरंगाबाद पर कब्जा कर लेता है, किस तरह सुंदर साथ को पुनः तकलीफ उठानी पड़ती है और कैसे वहां से चल करके आगे पहुंचते हैं, ये सारी बीतक सुनेंगे हम कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, जो पैदा रहे। यों करते भोर हो वही लीला भई मास चार, नित्याने उत्सव कीर्तन हुआ साथ अंग करार, हुआ साथ अंग करार। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।